عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم हज़रत अब हुरर रज़ी अल्ला तु की रवायत से बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़ कन अल हदीस के अलफ़ हैं कि दो कल जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान अदल में बहुत भारी होंगे और रहमान रब को वो दोनों कल बहुत महबूब हैं वो कौन से हैं सुबहानल्लाब हमदेही सुबह अल्ला आज और इन्हीं के हवाले से मुस्लिम में हज़रत अबूसर गफ़ारी रज़ी अल्लाह तु के रवायत से अल्फाज हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के कलाम में से कौन सा कलाम अफजल है तो आप सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने फ़रमाया कि वो जो अल्लाह ताला ने अपने, अपने फ़रिश्तों के लिए मनतखब किया है और वह क्या है सुबह बी हमदही इसी छोटे से कलमे की फ़ज़ीलत एक और जगह बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़ कन हदीस में मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताल की रवायत से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने रोजाना यानी डेली सौ दफ़ा कहा सुबह अल्लामदही उसके कसूर माफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे कसरत में समुंदर की झाग के बराबर की क्यों ना को, तो ये वो कलिमात हैं जो फरिश्तों की तस्वीर हैं गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया हैं ज़बान पर बहुत हल्के हैं मीज़ा अदल में भारी हैं और रहमान को महबूब हैं मिलकर कह लीजिए सुबह ना वमदही सुबह